पूरी दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान होता है जो यह चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा कामयाब बनो। यही नहीं, इस दुनिया में बिना स्वार्थ के केवल माँ बाप ही आपको प्यार करते हैं। तो दोस्तों, अपने माता पिता की कदर कीजिए, क्योंकि उन्हीं ने अपना सब कुछ त्याग कर आपको सब कुछ दिया है। अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल के अपने माँ बाप को जरूर दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी बातें तब सुनी थी जब आप बोलना भी नहीं जानते थे। अगर आपके माँ बाप कभी आप पर गुस्सा करते हैं तो कभी उस बात को बुरा मत मानिए। अपने पिता के उस गुस्से को समझिए, वह गुस्सा नहीं बल्कि अपनापन है। दोस्तों, ये जीवन का कड़वा सच है कि उनकी जिंदगी गुजर जाती है बच्चे की जिंदगी बनाने में, और बच्चा बड़ा होकर यह सवाल करता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या। याद रखना, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले माँ बाप फिर नहीं मिलते। जी हाँ, पिता जिनके होने का एहसास कभी नहीं होता, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। पिता का प्यार मुफ्त मिलता है, शायद यही कारण है कि लोग उसकी कदर नहीं करते, परवाह नहीं करते। दुनिया में बाकी हर रिश्ते को पाने की कुछ ना कुछ कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। दुनिया भर के रिश्ते निभाकर यह जाना कि माँ बाप के सिवा अपना कोई नहीं। जिनको ये सच्चाई अच्छे से मालूम है वो बहुत खुश नसीब है, और जिन्होंने इस सच को जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली है, दुनिया में उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। दोस्तों, कभी अपनी जबान की तेजी अपने माँ बाप पर मत चलाना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुमको बोलना सिखाया है। हमेशा अपने पिता का सम्मान करना, क्योंकि पिता उस पेड़ की तरह होता है जिसकी छांव में पूरा परिवार सुख से रहता है। अगर कोई पूछे तो ये मत कहो कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, बल्कि गर्व के साथ यह कहो कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। जो आंखें बंद कर कर आप पे भरोसा करे, आपसे प्रेम करे, वह प्रेमिका होती है। जो आंखें खोल कर आपसे प्रेम करे, वह आपका सच्चा दोस्त होता है। और जो अपनी आंखें बंद होने तक आपसे सच्चा प्रेम करे, वह माँ होती है। लेकिन दोस्तों, जो आंखों में प्रेम ना जताते हुए भी आपको प्रेम करे, वह पिता होता है। दोस्तों, इस दुनिया का कड़वा सच ये है कि माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर उसी माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। तो वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप पर उतना भरोसा तो कीजिए जितना आप दवाइयों पर करते हैं। बेशक कड़वी होंगी, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी। तो दोस्तों, अपने माता पिता से प्रेम कीजिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए। किसी ने कितना सुंदर लिखा है, प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो प्यास से मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा सब्र किया होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा सा और वक्त दिया होता। दोस्तों, शिकायतें तो बहुत है जिंदगी में, पर चुपचाप इसलिए सहे जाइए क्योंकि जिंदगी ने आपको जो दिया है, ऐसे कई बदनसीब हैं कि उनको वह भी हासिल नहीं है। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए, सफलता हासिल कीजिए। लेकिन उन दोनों माँ बाप को कभी मत भूलिए जिनका सबसे बड़ा हाथ आपकी सफलता के पीछे था।